चौहत्तर आवर में, इसलिए मैं आर्ट्स में था, आप मुझे एफ सेक्शन में दाखिला दिया, मैंने अब भी अल्लाह बस अल्लाह तुम आपने मेरे नंबर देखकर हैरान हुए थे आप जाते ना क्या हाँ ये मेरा बेटा फोर्थ ईयर मैं अब तो मैं ज़्यादातर में तो बस डॉक्टरी मैंने 15 साल और एन सी एस की और इसलिए मैं कहता हूँ आपको जरूर मैं अक्सर बातें करता हूँ आज की बाकायदा नशिस्त का आगाज हम इंशाल्लाह अहमद बिन इकबाल की तरफ से करते हैं कि उस दौरान मैं यहाँ रियासत मुख्य से दरख्वास्त करूँगा कि सदर वजह से आप आज की तशरीफ लाइए और हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं डॉक्टर मेहर उस्मान साहब प्लीज और इनको ज्वाइन करेंगे साथ प्रोफेसर मनोहर साहब प्लीज सर तलावत के लिए शहजादा अहमद बिन इकबाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إله قريش خلافهم فردة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنعهم من خوف صدق الله الرجيم جزاك الله جي مطالعہ حدیث کے لیے میں قدر شفیق اور ماسر سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال آپ کے عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے ये इतनी जामे हदीस है कि इसके अगर हम अमल करें तो हमारा जो आजकल जो माहौल मुल्क में बना रही है एक लम्हे में ठीक हो सकता है लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा गौर फिक्र करना पड़ेगा अगर हम अपनी नीतों को दुरुस्त कर दें तो बिलाशुबा हमारे अमाल की बेहतरीन हो जाएगी बहुत शुक्रिया ख्वाजा बाबू साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि वो आज के मामले को वेलकम करेंगे मैं नमाज पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब आप ही नुमाइंदगी करें आगे आप तशरीफ लाएं प्लीज आप अगर मेरे हाथ में नमाज पढ़ें سارا کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا فارسی کے یہ اسکالر ہیں
इन्होंने फारसी जुबान में मुंशी फाजल जब ये स्टूडेंट थे किया, उसके बाद PhD की, तो इनकी शख्सियत में ये जो पहलू है एक डॉक्टर के लिए इतना वक्त निकालना कि वो अदब को भी इतना वक्त दे सके, अखबार को, फारसी। ईरान का जब इन्होंने दौरा किया तो वहाँ स्कॉलर से मिले, बहुत कुछ सीखा इन्होंने और बड़े दिलचस्प उनके वाकयात हैं कि ईरानी हैरान हो गए थे इकबाल के ऊपर इनका जो अमूल था, ना सिर्फ इकबाल बल्कि हाफिज़ के ऊपर। हाफिज़ के मज़ार का जब वो वहाँ गए तो इन्होंने जब हम ब्लॉग पढ़े थे तो वहाँ पर जो मुजावर था दरअसल हाफिज़ का मज़ार था। वहाँ के जो मज़ार के ऊपर मुजावर होते हैं उस मुजावर ने पता चला जी हाफिज़ का ये इसने कलाम दीवान हिफ़्ज़ किया हुआ। सो डॉक्टर साहब ने कहा जनाब उन मुजावर साहब से कि आ जाए जी बैठे फिर आप मुकाबला हो जाए, एक शेर आप हाफिज़ के दीवान से पढ़ेंगे, अगला शेर मैं पढ़ूंगा, फिर तीसरा शेर आप पढ़ेंगे, चौथा शेर मैं पढ़ूंगा। अब जब मुकाबला शुरू हुआ तो मुजावर साहब बड़ी जल्दी पर भाग गए, वो जितना उन्होंने अपना भरम रखा हुआ था ना कि एक पाकिस्तानी नौजवान आया है और उसको हाफिज़ का इतना कलाम आता है कि वो शेर पर शेर पढ़ता जा रहा है हाफिज़ के, और वो जो वहाँ जो बैठे हुए उनके मुजावर जो पता नहीं बैकेट से कलाम पढ़ रहे हैं, लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, वो बड़ी गलती के बचकर उन्होंने जान छुड़ाई। तो डॉक्टर साहब को ये चीज़ का एजाज जाता है कि इन्होंने रोमी को, हाफिज़ को, सब स्टडी किया। ईरान का बड़ा तफसीली दौरा किया और उससे बहुत कुछ सीखा इन्होंने। फिर इन्होंने किताबें लिखी हैं, इन्होंने मशरक़ी अदब के ऊपर कुछ किताबें लिखी हैं जो हमारी हेरिटेज है हमारे मशरक़ी उसमें। तो ख़ाबर को भी मैं बल्कि कहूँगा कि थोड़ा सा ख़ाबर अभी डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि ख़ाबर और डॉक्टर साहब बड़े इकट्ठे शुरू में ख़ाबर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थे, मेडिकल कॉलेज में थे, तो ये खाना गंग ईरान में इकट्ठे जाते थे, पढ़ते थे, फारसी पढ़ते थे डॉक्टर अफ्ताब असगर से और उसके बाद डॉक्टर इरफानी से, दोनों शागिर्द थे। तो मेरा ख्याल है ख़ाबर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप भी आके थोड़ा सा ऐड कर दें जो मैंने इसमें किया है। सूरज को तो चला दिखाना मुश्किल है, डॉक्टर वेद को आज तक हम कोशिश करेंगे कि जब आप उनको सुनेंगे तो मुख्तर जनाब मियाँ रियाज साहब, बरदर बुजुर्ग, बरदर बुजुर्ग ये सब फारसी बोल रही है आज फोन पे छः बहन से आप जनाब मुनव्वर साहब हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हिफ़्ज़ मोहम्मद तारिक मेरे बड़े पुराने दोस्त, जैसे कि खुर्रम अभी तारुफ करा रहे थे, मैं दानिशगाह मुहंदिसी में लाहौर तहसील कर रहा था, मुहंदिस बन रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था जी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को दानिशगाह मुहंदिसी कहते हैं फारसी। तो हमारा कच्ची बैठ था प्रोफेसर यूसुफ मरूम शाहपुर के बड़े फेमस एजुकेशनिस्ट, उनका बेटा डॉक्टर करम बाबर वो FSC में बैठे थे, तो उस हवाले से मैं वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में फिजिशन बन रहे थे, फिजिशन डॉक्टर बन रहे थे, तो इस तरह मेरी इनसे दोस्ती हुई फर्स्ट ईयर के ही से ही। तो आई यूज्ड टू गो इनका जब अच्छा मेस में खाना बना होता था तो मुर्ग जब बने तो हम ये मुगलपुरे से जाते थे पूरे किंग एडवर्ड और ये जनाब हमारे फॉलो कर रहे थे। वहाँ पर ये पता चला कि डॉक्टर साहब ना सिर्फ के मेडिकल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पाँच साल हमारी दोस्ती रही, ये साथ साथ फारसी के भी मामूली स्टूडेंट नहीं थे, साथ साथ फारसी में भी PhD कर रहे थे, PhD की बात होती। सो अपने मेडिकल प्रोफेशन में भी माशाल्लाह ये वेरी प्राउड ऑफ डॉक्टर साहब की एक्सेल्ड इन द मेडिकल प्रोफेशन, और साथ साथ मेरे लिए मस्ट बी वन ऑफ द यंगेस्ट PhD इन फारसी इन पाकिस्तान मेरे ख्याल। और प्रोफेसर अफ्ताब असगर जो यहाँ पर तशरीफ़ भी लाए हुए हैं फारसी और अलामा इकबाल मॉडर्न रूम के
عظیم اساتذہ میں سے تھے اور ایک کو نپیرن کے انتقال انہوں نے کیا, تو وہ ہمارے استاد تھے. میں بھی پراپر فارسی پڑھنے جاتا تھا ان سے, تو تھوڑی بہت مجھے بھی فارسی میں ہی شروع بہت ہوئی. تو اس میں میں تھوڑا سا جو چیز کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بعد میں اپنی فیلڈ میں کی ایک ہوتا ہے وائرولوجی تھی, تو ڈاکٹر صاحب نے وائرولوجی میں اسپیشلائز کیا انگلینڈ جا کے. تو یہ اگین پاکستان میں ہی واز دا فرسٹ وائرولوجسٹ, کیونکہ بے شمار وائرسز آپ کو پتہ دنیا میں آ رہے ہیں جس سے ملینس آف لوگ مارے تھے. تو اس میں یہ پہلے پاکستان کے وائرولوجسٹ تھے کوالیفائڈ فرام انگلینڈ اور ہائیسٹ لیول, تو وہ بھی انہیں ڈاکٹر صاحب کو بڑا اعزاز جاتا ہے. تو ابھی بھی جب کبھی کہیں کسی دنیا میں کوئی وائرسز افریقہ میں بولا وائرس یا کوئی ہو جاتا, تو میں دنیا میں جو ایکسپرٹس دیکھتے تھے تو ان کی فہرست میں سر فہرست ڈاکٹر وحید عظمہ طارق ہے. افریقہ میں کوئی پرابلم ہو یہ وہاں سے بھیجے جاتا پرسن آدمی اور جا کے سارا ریسرچ کر کے اس پہ. تو اپنی فیلڈ میں بھی ماشاء اللہ ہی وینٹ یو نو لائک دا پیک, اور ابھی بھی یو ای میں ایک امیرکن ہاسپٹل میں ہی از ون آف دا ہائیسٹ پوزیشن. اور تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مجھے جو ڈاکٹر صاحب آتا ہے کہ وائرس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں کہ ڈاکٹر صاحب شاگرد تھے ساتھ ساتھ خواجہ عبد المجید عرفانی صاحب کے, جو میرے والد محمود صاحب کون سے جب وہ بھی ایک چلتے پھرتے علامہ اقبال اور مولانا روم کے ایک مبلک تھے. تو وہ ہر جگہ انہوں نے کہیں بیٹھا ایک گوشے انہوں نے بالکل سکھا کے گریٹ ٹیچر وحید بھی ان کے نا جی شاگرد رہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان میں بھی جو تھا نا جی وائرس جو تھا علامہ اقبال کا اور مولانا روم کو جیسے حافظ بات کر رہے تھے بے شمار. اور ابھی جب بھی یہ سیاحتوں کو آتے رہے تو اتنا آپ سب نشست ہوتی ہے ایک ایک لمحہ نا جی اتنا علمی اور فکری ہوتا ہے کہ وہ بندہ سیکھ کے نہیں کرتا, آپ کو لگتا ہے دس از ایوری تھنگ از نیو یو نو. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی شادی سیالکوٹ ہوئی ہے, تو اس لحاظ سے ہمارے سیالکوٹ کے دماغ بھی ہیں, تو سیالکوٹ سے علامہ کے پلیٹ سے اس لحاظ سے بھی بڑا گرا تھا. تو ابھی ایک مجھے اور بھی خوشی ہے کہ ابھی ابھی عید کی چھٹیوں پہ آئے میاں صاحب یہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹائم بھی ہے آپ کے لیے بھی میں نے کہا کہ اب شارپٹ آئے گا نا جب ہندی مت آئے گا, تو ہی از یوزنگ آر ایئرپورٹ ماشاء اللہ. تو اٹس مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑی دیر سے ہم پلان کر رہے تھے کہ آئیں اور اقبال کے حوالے سے ایک لیکچر دیں, کیونکہ اور میں زیادہ ہائی لے رہوں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب از ناٹ ناٹ ٹو ٹیل اس آئی ایم شیور یو سارے اس کو انجوائے کریں گے. تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں جب علام ایران میں بہت ایک شدید سلسلہ آیا تھا اس میں پاکستانی آرمی نے بہت بڑی کنٹینجن بھجوایا تھا کہ ڈاکٹرس کے اور سکون کی مدد کے لیے. اس میں علامہ کا ایک شعر ہے بہت بڑے خیال میں پاکستان آدمی کے لگے, وہ ڈاکٹر نے وہاں پر ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا, تو مولانا کا شعر فارسی کا علامہ اقبال کا, تو مجھے یاد ہے جب وہ ایرانی نے بیسٹ آئے تھے ماشاء اللہ شادی سے آپ کو میں نے وہ پڑھا تو بڑے خوشی ہوئے. وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہوا تھا, تو میں خیمے کے اوپر لکھا تھا بڑا ایک مثال, خیمہ ہائیے ماں جدا, خیمہ ہائیے ماں جدا دل ہا یکیس, کہ ہمارے خیمے تو رہتا رہتا ہے لیکن دل ہمارے ایک ہیں. تو انہوں نے بڑے خوش تھے کہ پاکستان اسکالر اور لاما کی ورس ادھر لکھی. میں زیادہ ہائی دے رہوں گا ڈاکٹر صاحب چیف آئے پلیز. حضرات آج میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود کے بات کروں, نہ میں نے اقبال کے فلسفے کی بات کرنی ہے, نہ اس کے مذاہب کے تقابل پہ دیے گئے اقبال کی بات کرنا ہے. مختصر میں سیاہ نور کے ساتھ علامہ اقبال کے تعلق اور رب کے پس منظر میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سیاہ نور کی سرزمین کم از کم آپ کو پتا ہے 5000 سال قدیم شہر, اور اس شہر کی خوبی یہ ہے کہ یہ دو اہم بادشاہتوں کا دارالحکومت
यूनानियों की तारीख की किताबों में पढ़ते हैं, जब ये हकामंशी ईरानी सल्तनत का एक मशरकी शहर उस वक्त ये बहुत जंगलात के से अगम पर था और रावी और तनाव के दरमियानी इलाके को शकला दीपा का नाम दिया जाता था। दीप कहते हैं जजीरे को, सरादीप जैसे श्रीनगर लक्षण दीप, इसको जजीरा समझा जाता था। दो बड़े बड़े दरिया थे रावी और तनाव, ये उनका दरमियानी इलाका और रेशम यहाँ की सारी सल्तनत में मशहूर थी और सियालकोट की वजह से, शकला की वजह से कहा जाता था पंजाब का सूबा, हकामंशी सल्तनत के एक अहम सूबे में से। कनिंघम ने इस शहर के खंडरात में आतिशकदों का सुनाम भी लगाया। ये शहर जो है ये बुद्ध मजहब और उससे पहले ज़रतुश्ती मजहब के एक मरकज की हैसियत से हमें सामने नजर आता। और फिर पारसी लोग जो है ज़रतुश्ती, उनका ताल्लुक इस शहर से बड़ा गहरा है। जो आपको कोटली बहराम जी नजर आती है, ये बहराम जी भी पारसी था। जब अंग्रेजों ने यहाँ अपनी फौज का एक छावनी कायम की तो शराब की सप्लाई पारसियों के पास, बहराम जी जो था वो यहाँ का ठेकेदार था शराब का और यहाँ पे आतिश कदा भी था। और बाबर का जिक्र हो रहा था मेरे दोस्त मौजूदा बफरदीन के साहबजा ने मेरे क्लास का हुए, इनके दादा ने मुझे बताया था कि यहाँ टावर साइलेंस भी था पारसियों का, जिसमें इनको उनकी मरने के बाद उनकी लाश को रखा जाता। मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि उसके बाद सिकंदर आजम ने जब इस इलाके में कब्जा किया तो यूनान के जो पुराने नक्शे हमें मिलते हैं उनमें ये उनका एक आखिरी शहर की हैसियत से हमें नजर आता। और जब सिकंदर आजम यहाँ से चला गया जनाब सदर, तो मुख्तलिफ जगहों पे यूनानियों ने छोटी छोटी सल्तनतें कायम की। एक सल्तनत थी ग्रीको बैक्ट्रियन जो बल्क में जिसका दारुल हुकूमत था, और बल्क की सल्तनत जो थी वो बाद में दो हिस्सों में तकसीम हुई और एक हिस्से का दारुल हुकूमत सियालकोट शकला है। उस जो मैं बात कर रहा हूँ ये तकरीबन 220-230 कबल मसीह की है, मेरा ख्याल है उससे लेके 140 ईस्वी तक ये शहर उनके मरकज की हैसियत से रहा। और सिक्के भी हमें मिले चांदी के जिस पे उन हुक्मरानों की तस्वीर। बाद हजार ये बुद्ध मजहब के पैरोकारों का भी एक मरकज रहा है, यहाँ पर उनके सूबास थे। और फिर जब मजीद हम आगे बढ़े तो हमें 400 ईस्वी में और से लेकर 561 उन कबाइल जो थे उनके दारुल हुकूमत की असली सिद्धि शहर नजर आते हैं। बिना अपनी यहाँ का हुक्मरान था और भी लोग थे और उन कबाइल के साथ सिथियन जाट कबाइल यहाँ आए। जाट जो थे जैसे इलाके थे पंजाब के सियालकोट गुजरा वाला थे, इन लोगों ने हिंदू मजहब तैयार करने में कदर एक अमल से काम किया। ये लोग बुद्ध मजहब और जैन मजहब के दरमियान दरमियान थे, बाद में हिंदुओं और बुद्धों का झगड़ा जारी था कि सबसे पहले शाहबुद्दीन गौरी ने इस शहर पर हमला किया मुसलमान हुक्मरान ने, और इस शहर को फतह करने के बाद वो लाहौर से बचता हुआ दिल्ली तक चला गया और दिल्ली में मुसलमान सल्तनत की बुनियाद रख दी। तो सियालकोट हमें उस वक्त भी एक अहम शहर के सिलसिले में नजर आता। फैरोज तुगलक के ज़माने में इमाम अली हक का यहाँ में इस्लाम की अशात का भी जिक्र मिलता है। और जब हम नजदीक आगे बढ़ते हैं तो ज़हीरुद्दीन बाबर कुछ शहनशाह इस इलाके का जिक्र करता है। तो उसके बाद भी लिखा है कि गुजर और जट कबाए लुटोरे की तरह हर जगह पे हमले करके लोगों से भैंसें और उनके जानवर छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं और
बारगाह बाजार गर्म रख जब माँ दौलत ने सियालकोट ने शकला ने अपना कैंप कैंप किया तो मुझे मिलने के लिए जो गरीब लोग आए उनको लूटने के लिए उन्होंने कोशिश की तो माँ दौलत ने उनको पकड़ के कुछ लोगों को टुकड़े टुकड़े करके इबरत का निशान बनाया तो ये उसके बाबरी में इसका जिक्र मिलता है। हम मजीद जब आगे बढ़ते हैं तो अकबर के ज़माने में यहाँ एक शख्सियत पैदा होती है जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोट। फारसी की जितनी किताबें मैंने पढ़ी तारीख की उस ज़माने की मुगलों हो सकता है अगर 500 सफ़े की किताब हो तो 100 सफ़े मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोट के बारे में एक अजीम स्कॉलर एक अजीम फलसफी और मुल्ला सदरुद्दीन शिराज़ी जिसको हम मुल्ला सदरा का नाम देते उसके पैगाम को आम करने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा। शाहजहां के वज़ीर आज़म भी रहे और शाहजहां ने एक दफ़ा उनको सोने से और दो दफ़ा चांदी से तुलवाया। आपको हैरत होगी कि अकबर के ज़माने में यहाँ एक और शख्सियत यहाँ आई यहाँ के पढ़ने के लिए और उसका नाम था सैयद अहमद सरहंदी जिसको मुजद्दद रफ़सानी का खिताब भी मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोट ने दिया। जब मैं PhD कर रहा था तो हमें बताया जाता था कि सियाल इसके कागज़ के दो जगहों पे कारखाने थे जहाँ कागज़ बनता था एक इस्फहान में और एक सियालकोट और हम हाथ से टेक्सचर से सियालकोट के कागज़ को पहचान लेते थे तो सियालकोट कागज़ बनाने का भी एक बहुत बड़ा मार्ग था। अब ये जब आप सारी चीज़ों को देखें कि यहाँ पे इल्म भी हो लोग पढ़ने के लिए भी आए उलमा भी हो फलसफी भी हो सकाले भी कागज़ भी हो इसका मतलब ये निकलता है कि ये शहर उस वक्त एक बहुत बड़े इतनी मरकज की हैसियत इख्तियार कर बहुत सी किताबें यहाँ लिखी जाती थी पढ़ी जाती थी और यहाँ का माहौल और फिर हमें एक और मजहब में इसका जिक्र मिलता है सिखों के मजहब में जब बाबा गुरु नानक यहाँ आए बाबा गुरु नानक के बारे में कहते जब सियालकोट पहुँच जाए तो सियालकोट के लोग तो जो हर पर काम करे रेलुद्दीन बाबे का जमाना था तो लोगों ने कहा कि सियालकोट शख्स ने एक बुजुर्ग हंता रौस से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया और हंता रौस ने कहा कि मैं 40 दिन चिल्ला काटूंगा और उसके बाद शहर को तबाह कर दूँगा। तो बाबा नानक ने बेर के दरख्त के नीचे बैठ के जहाँ गुरुद्वारा बेर साहब या बाबे की बेरी वहाँ पे उसको हंता रौस को चैलेंज और हंता रौस के घर उस जगह पे था जहाँ उनका एक गुरुद्वारा गौरी शरीफ है आज कल गुरुद्वारा गौरी शरीफ है वहाँ उनका स्कूल है आज कल मुख्तलिफ इमारतों में घिरा हुआ है तो तकरीबन आधा एक किलोमीटर बाबा की बेरी से वो फासले पे है। तो बाबा गुरु नानक यहाँ रहे फिर मौलू था एक करार उसको यहाँ से दिया तो सिखों के मदद में भी इसका बड़ा जिक्र मिलता है उनके काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं। नानक साहब गुरुद्वारा है जो उपोकी के पास एक गाँव है जहाँ के है और भी कई गुरुद्वारे बड़े बड़े मंदिर भी यहाँ पे और जब अंग्रेज आए हैं अंग्रेजों ने उससे पहले सिखों ने यहाँ पे हमला की एक उनका है सिखों का बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा मुझे उसका नाम इस याद नहीं उसके बाद रणजीत सिंह ने इस इलाके पे कब्जा किया और रणजीत सिंह से पहले यहाँ पे पश्तूनों ने भी यहाँ पे कब्जा किया ये पठान जो थे स्वाद से आए थे ज़्यादातर यहाँ और बाद में सिखों के बाद कोयटा के इलाके से काकी जैनी जो थे वो सियालकोट के पास आके बाद और अंग्रेज़ों ने 1849 में जब यहाँ पे कब्जा किया दूसरी जो थी एंग्लो सिख वार उसके बाद 1852 में यहाँ पे पहले चर्च की बुनियाद रखी और फिर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मिशन जो था उसने 1857 में इस शहर को पंजाब के लिए अपने मरकज की हैसियत और एक हंटर फैमिली थी वो यहाँ पे आई मिस्टर हंटर था उसकी वाइफ थी जेन उसका बच्चा था और उसी साल जंगे आज़ादी के लिए 1857 और जो मुकामी फौजी थे जब उन्होंने फौज के खिलाफ बगावत की हंटर को बदल किया और किलो को बदल किया और उनका भी बाग में उनकी कब्रें भी मौजूद थी और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने उसके बाद 1800 के बाद
अपने मिशन को दोबारा रिवाइव किया। तो मिशन के मरकज की हैसियत किसे हासिल हुई। इसी तरह जो ब्रिटिश आर्मी के चीफ थे जनरल नेपियर, उन्होंने नाला पलकू और भेड़ के दरमियान का इलाका जो था इसमें यह कंटोनमेंट को बुनियाद रखी, और ये कंटोनमेंट जो थी तकरीबन 1852 में ये मुकम्मल हुआ। एंग्लैंड से जनरल जिन्होंने यहाँ के कमांडर थे, यहाँ पर हेडक्वार्टर बना, मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अंग्रेजों के अहम कंटोनमेंट की हसी था। उसी चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने यहाँ पर स्कॉच मिशन स्कूल कायम किया। तो जब अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई तो सियालकोट एक अहम सरगर्मियों का हिस्सा था। यहाँ पे मिशनरी भी थे, पादरी भी थे, अंग्रेजी स्कूल भी थे, लेकिन यहाँ एक बहुत ही नेक इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जिनकी रहमत करे, उनका नाम था मीर हसन, सैयद मीर हसन, जिनका जिक्र पाल ने इल्तजाए मुसाफिर में किया है। वो 1844 में यहाँ पैदा हुए, सैयद खानदान के थे, और उन्होंने अंग्रेज की नौकरी करने से भी इनकार किया था, सैयद मीर हसन। और सैयद मीर हसन जहाँ रहते थे उस इलाके को दो दरवाजे वाला मारता था, और उनका मदरसा जो था वो क्या था दीन में ना जाने के बाहर था। अल्लामा इकबाल के दादा जो थे शेख रफी, ये 1861 में कश्मीर से सियालकोट गए। अब शेख रफी मुसलमान हुए हैं या उनके वालिद साहब हुए हैं, ये सब पंडित थे, और वो 1861 में सियालकोट आए, और सियालकोट में घूम करके वो कश्मीरी शाले लेकर गए। शेख रफीक ने छोटा सा घर खरीदा जिसमें फिर उनके बेटे शेख नूर मोहम्मद ने वो दो तीन कमरे और खरीदे 1852 में, फिर आगे दो दुकानें भी उन्होंने खरीदी। और शेख रफीक के बेटे थे शेख नूर मोहम्मद, इंतहाई नेक इंसान, शेख नथु उनको कहा जाता था। कुछ देर उन्होंने कलेक्टर के पास दर्जी के तौर पर नौकरी भी की। अब उन्होंने अपनी दुकान बनाई जहाँ पे वो गुरुओं की टोपियाँ बनाए गए। अब शेख नूर मोहम्मद के बड़े बेटे का नाम शेख अता मोहम्मद था, और अल्लामा इकबाल की पैदाइश के बारे में मुख्य रहा है। सरकारी की खबर ये है कि वो 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए, एक खबर ये 1873 में पैदा हुए। रिकॉर्ड कुछ कहते तो उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक दिन सैयद मीर हसन एक मदरसे में गए जहाँ पर पुराने पाक किया जा रहा था, और 4 साल के एक बच्चे को उस्ताद से पूछा, ये बच्चा कौन है? उसने कहा इस बच्चे का नाम इकबाल है, और ये शेख मधु का बेटा। तो सैयद मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह सैयद को शेख मधु के दुकान पे गए, लेकिन शेख साहब बच्चे को कहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि असल में मैं आपको से पर्दा नहीं रखना चाहता, आप बुजुर्ग हैं, सैयद है, बात कुछ ऐसी है कि मुझे उस मदरसे में छोड़ना पड़ा। तो बात क्या, बात यह है कि रसूल के खाफ में मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इस बच्चे ने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कर दी। मैंने कहा मैं पुराने बात में मस्त रहा हूँ, मौलवी बात ने कहा कि शेख साहब इस तरह इस्लाम की खिदमत नहीं है, आप ये बच्चा मुझे दे दें, मैं इसको पढ़ाता हूँ। बच्चे को उस्ताद मिशन स्कूल में दाखिल किया, बच्चे को अपने मदरसे में पढ़ाया, पाठी पढ़ाई, अरबी पढ़ाई, और बच्चे की तरबियत करते थे। वो बच्चा जब 10वीं जमात में पहुंच जाए तो दार देवी से वो अपने अशआर के लिए इस्लाह किया, और पहली नज़र उनकी 10वीं जमात में छाया हो गई हिंदी के मिसाले ने, जिसका नाम जुबान था। इकबाल
दसवीं जमात तक इंतहाई होनहार बच्चे की हैसियत से सामने आए। वैसे कुश्ती का भी शौक था और जल्दी उड़ा था। बहुत कम लोगों को पता है जब 7 साल के थे तो उनको काला मोतिया हुआ। उस जमाने में सियालकोट में झोंके लगाने का रिवाज था और एक साइड पर जब झोंक लगाई अल्लामा की एक आंख तो थी वो गिराया, अल्लामा की एक आंख से गिनाई नहीं थी। और जब अल्लामा इकबाल ने मुख्यमंत्री को ये ख्याल आया कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब के लिए अप्लाई करूँ, उनकी आंख में बसारत ना होने की वजह से ये काम उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते या कमिश्नर बन जाते तो शायद वो कौन की तुलना करते। अब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का जो जमाना था यहाँ सियालकोट में, बड़े भाई भी थे वो भी 1912 में वापस आ गए थे, पहले फौज में थे और फौज छोड़ दी, फिर उन्होंने ओवरसीयर के कोर्स किया, एमईएस के चले गए, फिर अहमदाबाद में नौकरी की, एसडीओ रिटायर हुए, 1912 में वापस आ गए। अल्लामा इकबाल की तालीम पे उन्होंने काफ़ी हक लगाया। अल्लामा इकबाल ने उनके रिटायर होने के बाद उनके बच्चों की कफालत अपने जिम्मा ले, अल्लामा की बहुत ख्वाहिश थी तो छोड़ के यूरोप चले जाए, लेकिन यूरोप ना जाने की एक बहुत बड़ी वजह उनके भाइयों के बच्चों की कफालत कर रहा जो अल्लामा इकबाल ने अपना फर्ज निभाया। 1993 में अल्लामा इकबाल जब सियालकोट में थे, अभी मेट्रिक का एग्जाम दिया था, तो गुजरात में एक सर्जन थे, 1893 में, सॉरी 1893 में उनकी शादी हो गई वहां। खैर वो ज्यादा उनकी बीवी नहीं रखा है, लेकिन उसी खातून के वतन से आफ्ताब इकबाल का आफ्ताब इकबाल की तारीखें बताई 1900 लिखी जाती है, 1900 से, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले पैदा होगा। मैं बताऊंगा कि वो क्यों उससे पहले पैदा होगा। मैं सिर्फ अल्लामा इकबाल को सियालकोट के हवाले से बयान कर रहा हूँ। अब लाहौर चले गए, लाहौर के वाकयात हमें उनके अजीम दोस्त गुलाम भीम नारंग के जुबानी में, गुलाम भीम नारंग कहते हैं कि मेरे जब मैं गवर्नमेंट का लाहौर आया तो डस्का के एक शख्स थे चौधरी जलाल दीन जो मेरा क्लासफेलो था, उसने मुझे बताया कि सियालकोट का एक लड़का है जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है और वो बड़े अच्छे शेख हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के हॉस्टल में मैंने देखा एक बूढ़ा चिट्टा लंबा सा खूबसूरत सा लड़का जो बहुत बातूनी हाजिर जवाब और गुफ्तगू करता था, बड़ी पुरमासू मुझे नजर आ। अब मैं मजीद नहीं आगे बढ़ता कि उनके आगे तल्लुकात का क्या है। वो कहते हैं कि 1901 में जबकि अल्लामा इकबाल उन दिनों थोड़े बहुत शायद प्रैक्टिस भी करते थे, उन दिनों फिर पढ़ाते थे फलसफा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, क्योंकि छुट्टियाँ हुई कॉलेज में तो सियालकोट आए, तो मैं उनको सियालकोट मिलने के लिए। अब सियालकोट जब गुलाम भीम नारंग आए तो कहते हैं मुझे दो बच्चे घर में डाल इकबाल को जब मैं मिलने गया, एक का नाम शेख आदम था और एक का नाम आफ्ताब। तो मैंने आफ्ताब को कहा कि तू भी आफ्ताब की तरह सूख बेदार है, बच्चे को समझ नहीं आया, बच्चा फिर रहा है। 1901 में अगर एक बच्चा चल फिर रहा था तो बातें कर रहा था तो तारीख पैदाइश जो है 1900 नहीं बन, हो सकता है वो 1895-96 उनकी पैदाइश हुई। मुख्तसर ये अल्लामा इकबाल सियालकोट आते तो गुलाम भीम नारंग कहते हैं कि मुझे सियालकोट में मौलाना मीर हसन से मिलने का भी इत्तेफाक हुआ। मौलाना मीर हसन 1929 में फौत, और मुझे अल्लामा इकबाल के वालिद साहब से मिलने का इत्तेफाक। उन्होंने ये भी लिखा कि दोनों बुजुर्ग इंतहाई नौरानी और इंतहाई नेक शख्सियात। अब गुलाम भीम नारंग कहते हैं मुझे एक और शख्स को मिलने का इत्तेफाक हुआ, वो शख्स वो अल्लामा इकबाल के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफे के क्लास का था और उसका नाम था मियां फजल हुसैन, और वो अभी सियालकोट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर।
पार्टी के बानी थे, वायसराय के कौंसिल के रुकन थे, वजीर तालीम थे, पाकिस्तान के मुखालिफ थे, लेकिन मुसलमानों को कोटे की बुनियाद पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में और बाकी कॉलेजों में सीटें दिलवाई और पसमानदा इलाके के बच्चे भी जो मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। मुझे अच्छी तरह याद है कि अल्लामा इकबाल पंजाब असेंबली के रुकन थे लाहौर में, तो सर छोटू राम ने यही कहा कि एक बार क्या हो गया मुसलमानों को, उन्होंने जलालुद्दीन अकबर पैदा करने की बजाय अब औरंगजेब आलमगीर पैदा करना शुरू कर, क्योंकि कोटे की जात जो थी उसमें हिंदू आए, मुसलमान जो थे वो थोड़े थोड़े नंबरों से मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुँचने लगे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुसलमान कभी जलालुद्दीन अकबर पैदा करते हैं और कभी औरंगजेब आलमगीर पैदा करते, जलालुद्दीन अकबर उस वक्त पैदा करते हैं जब हिंदुओं में मान सिंह, बीरबल और टोडरमल जैसे अजीम दोस्त उनको मिल जाए, औरंगजेब उस वक्त पैदा करते हैं जब हिंदुओं में शिवाजी जैसे दुश्मन मिले। तो ये आप पे मुनहसर है, जब आप दोस्त के हाथ आके पढ़ाएंगे तो हम जलालुद्दीन अकबर पैदा करेंगे, और जब आप दुश्मनी का हाथ आके पढ़ाएंगे और पीछे से बाहर करेंगे, जैसे उन्होंने जनरल अफजल खान के साथ किया शिवाजी, लेकिन आएंगे आपके साथ हम दोनों नहाते आएंगे और बीच दरमियान में खड़े होकर बात करेंगे। जब जनरल अफजल खान गए तो शिवाजी ने हाथ के ऊपर वो चढ़ाए हुए थे लोहे के को, और उसका जिसम में उसको पहस करके उसको इस तरीके से कत्ल कर, बात में शिवाजी खुद भी बात, अब बात अलामा इकबाल की हो रही है, मैं आगे पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि औरंगजेब ने फिर शिवाजी को खत्म किया और शिवाजी का मंदिर भी बनारस पर उसने गिराया, क्योंकि वो मंदिर इसलिए नहीं गिराया गया वो मजहबी इबादतगाह थी, इसलिए गिराया गया कि वो शिवाजी की सियासी अजमत के निशान के तौर पर उसने इस्तेमाल किया। शिवाजी का खात्मा हुआ। अब मैं वापस आता हूँ इनकी तरफ, मियाँ फजल हुसैन की तरफ, कि मियाँ फजल हुसैन थे वायसराय के मेंबर बने, पंजाब असेंबली के तालीम बने, रैपुर के हेड बने, और बहुत बड़ा नाम था जो सियालकोट में अल्लामा इकबाल के जो हम असर, सियालकोट में मौलाना फरोजुद्दीन भी पढ़ाते थे जिनकी फरोज समझ है, फरोजुल रुगार भी लिखी, मौलाना फरोजुद्दीन के बेटे प्रोफेसर वहीदुद्दीन जो फारसी के उस्ताद थे, इस्लामिया का पेशावर और डॉक्टर इरफानी से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, प्रोफेसर वहीदुद्दीन की बेटी नाजरा जावेद इकबाल अल्लामा इकबाल की बहू भी है। सियालकोट में अल्लामा इकबाल के जमाने में एक और शख्सियत थी, चीनिया वाला एक जगह सियालकोट, या ओपर खानदान था सिखों का, ओपर खानदान में एक शख्स था बूटा सिंह, उसका बेटा पैदा हुआ राम सिंह, उसने बच्चे का नाम रखा, और वो भी गालिबन 1872 में पैदा हुआ। आपको हैरत होगी तो उसका बाप जो था बच्चे की पैदाइश से 2 महीने पहले वफात पा चुका, 2 साल तक दादा ने पाला, फिर नाना के पास पाला, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम अबैदुल्ला रखा गया। आज अबैदुल्ला सिंधी का किसी को पता नहीं है, क्योंकि सियालकोट चिड़िया वाली का उपल फंड नाम। और मैं आपको मजीद नहीं बताना चाहता कि अबैदुल्ला सिंधी क्या, अबैदुल्ला सिंधी जलालुद्दीन होके काबुल पहुंचा, काबुल से मास्को पहुंचा, उसका मेहमान था ये स्टालिन का, वो स्टालिन उससे बड़ा मुतासर था, जर्मन उससे बड़े मुतासर, रेशमी माल का वाक्य, और जो हिंदुस्तान की अफजाई हुकूमत कायम की इन्होंने वो उसका वजीर अमर हिंद था। आखिर जब दूसरी जंग अजीम में
और برطانیہ کی مفاہمت ہوئی تو روسیوں نے کہا کہ وہ تمہارے جو بھاگ کے مجرمین اور مظلومین اور مفرورین ماسکو میں آ کے پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو آپ واپس لے 1943 میں عبید اللہ سندھی بھی واپس آئے اب وہ میرے بہنوں ہی اور میرے خالو کے چونکہ دادا تھے تو بہت سارے واقعات میں نے اپنے خالو سے سنے کیونکہ میرے بہنوں ہی تو سارے ایک سال کے تھے جب وہ مولانا واپس آئے خالو ذرا بڑے تھے تو خالو میرے بتاتے ہیں کہ جب ابھی وہ کابل میں تھے تو ان کے سکوت علامہ اقبال کو بھی آیا کرتے تھے اور بعض اوقات میں پاس لے کے جایا کرتا مولانا عبید اللہ سندھی 1944 میں فوت ہو گئے اور وہ مولوی نہیں تھے سندھی بھی نہیں تھے وہ بھی سیالکوٹ کے تھے سیالکوٹ 1923 میں جب علامہ اقبال کو بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے جنرل روڈ آئر کا نام سنا ہوگا جنرل روڈ آئر دو بھائی تھے ایک فوجی تھا اور دوسرا بھائی جو تھا روڈ آئر وہ بڑھتا بن جائے دونوں ایک شخصیت نہیں تھے دو علیحدہ علیحدہ شخصیت وردن جو تھا وہ فارسی کا بہت بڑا سکالر تھا میں نے ایم اے پرشین میں جب ٹاپ کیا تو مجھے گولڈ میڈل ملا اس کا نام ہے نصیر الدین روڈ آئر گولڈ میڈل کیونکہ اس نے فارسی میں ٹاپ کرنے والوں کو ایم اے میں گولڈ میڈل کے لیے پیسے اس کو مختص کیے تھے اس پر جو ہم تک پہنچے گولڈ میڈل کی وجہ سے روڈ آئر کا استاد تھا نکل سا روڈ آئر جب وردن بنا ٹائر کو نے نکلسن کو لکھا اس نے کہا کہ میں لاہور میں ہوں پنجاب کا گورنر آپ تشریف لائیں اور یہاں بہت تاریخی مقامات ہیں تو نکلسن اس وقت علامہ اقبال کی کتاب اسرار الفتی کا فارسی سے انگریزی میں ترجمہ کر نکلسن نے مولانا جلال الدین رومی کی مشق میں اس سال والے میں نے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا اور نکلسن نے سب سے پہلا نسخہ جو قدیم ترین نسخہ اسے ملا ہے اس کا کشف الموجود کا اس کو بھی عرض کیا اور کشف الموجود کو بھی انگلش میں ترجمہ کیا نکلسن کیمبرج میں فارسی کے پروفیسر تھے اور او ڈائر نکلسن سے بڑا بات اور یہ نکلسن کی بڑی عزت ہے اب نکلسن نے اسے لکھا کہ میں لاہور میں شاید نہ تھا لیکن وہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کا نام ہے علامہ محمد اقبال میں اس کو ملنے کے لیے ضرور آؤں گا اس عمر میں بھی آیا نکل سن لاہور آئے جب لاہور آئے تو گورنر نے بڑا اپنے استاد کی خدمت کی اور آئے نے ایک تو کھانے والے بلائے کہتے ہیں کہ مجھے کال اقبال سے بلا دے کہتے ہیں میں کو بلا رہا ہوں نکل سے کہا نہیں بڑی اہم شخصیت ہے آپ ان کو مت بلائیں میں خود جاؤں گا اور آپ نہ جائیں ایئر گورنر تو وہ ملنے کے لیے باٹی گیٹ والے گھر میں علامہ اقبال یہاں جانے کے بعد باٹی گیٹ میں رہے اور وہاں ایک کھڑے پہ بیٹھ کے پیچھے کہا کرتے تھے جس کھڑے کو تجاوزات کے ضمن میں گرا دیا گیا چند سال پہلے اس کو اس کے بعد علامہ اقبال لکشمی چوک میں جہاں ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں وہاں ایک گھر جو تھا پرانا تھا وہ کرائے پہ لے گئے پھر 1935 میں وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے پٹنہ کے لوگ اور وہ گھر بھی اپنے بیٹے جاوید کے نام رکھا اور جاوید اقبال اس کی والدہ کو بعد میں چیک کیا گھر سے کرایا علامہ اقبال ساری زندگی ان کا اپنا گھر نہیں تھا جب ایک منزل بھی اس کا بھی کرایہ ادا کرتے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نکلسن باڈی گیٹ میں پہنچا علامہ کے پاس تو واپس آیا تو رات کو ڈنر پہ اس نے گورنر کو کہا کہ میں نے آج یہ پوچھا علامہ نے یہ جواب دیا فلسفے کا میں نے یہ پوچھا اب وہ ڈائر کہتا ہے کہ یہ میں تو اس کی عزت کرتا ہوں کہ اقبال کیسی بڑی شخصیت ہے کہ نکلسن نام ان کا لے رہا ہے بلاخر وہ ڈائر نے کہا میں بھی ملا تو کسی طرح وہ ڈائر علامہ اقبال سے ملے علامہ اقبال کو کہا کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں پانچ بندوں کو لائٹ بھی دوں سرکار اللہ حکم سے بڑا بار کا لائٹ بھی دوں اور میرے خیال میں آپ بڑی اہم شخصیت
आपको सर करता हूँ। इकबाल ने कहा कि मैं उस वक्त तक सर करता नहीं हूँ जब तक मीर हसन को शमसुल्लामा करता। ये थी उस्ताद की। अब अंग्रेज का जमाना था, इंटेलिजेंस थी बड़ी अहम उनकी, बड़ी मुकाम था। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस वालों को जाओ पता करो मौलवी साहब कैसे। उन्होंने कहा वो तो आम से मौलवी साहब एक मदरसा चला रहे हैं, लोगों को फारसी अदब पढ़ाए जा रहे हैं। उसने कहीं कहा निकलसन किसी अल्लामा इकबाल को आप तो सर के खिताब के लिए रिजर्व करते हैं लेकिन मौलवी साहब को मैं कैसे। इकबाल ने कहा कि अगर मीर हसन ना होता इकबाल मैं उस वक्त तक खिताब नहीं दूंगा जब तक मीर हसन को शमसुल्लामा का खिताब ना दिया जाए। पहले मीर हसन को शमसुल्लामा का खिताब मिला, फिर अल्लामा इकबाल ने अपना खिताब जो था वो लोग कहते हैं और रहीम कहते हैं ये बात लगभग 1929 की थी। वो शख्सियत 86 बरस मीर हसन जिसने 68 साल तक 68 ईयर्स बच्चों को पढ़ाया था उनकी वफात हुई। और पूछा सामुद्दीन से जनाजा उठा और एक दरख्त के नीचे जनाजे को रख दिया गया और लोग खड़े हो गए। पता चला किसी शख्स का इंतजार किया जा रहा है। देखा कि टांगा खड़ा हुआ है और उससे अल्लामा इकबाल हाथ पे डंडा पकड़ के टेक के नीचे उतरे हैं। आज ये जनाजे को कंधा दिया है तो जनाजा ये मैं बताता हूँ कि ये सियालकोट के उसादा क्या थे, क्या नुरानी माहौल था जिसका गुलाम भी नारायण ने जिक्र किया है कि मैंने नुरानी शख्सियात को देखा, मैंने शेख नूर मोहम्मद को देखा, मैंने इसको देखा मौलाना मीर हसन को देखा। और ये बेलौस हो और फिर सियालकोट की कौन शख्सियत है जो सियालकोट में काम रहे, उनका नाम था मौलाना नफी। मौलाना चकवाल में चले गए थे वहां प्रैक्टिस करते थे। मौलाना सुफ्ती अंजुमन कश्मीरिया पंजाब के सदर थे और अल्लामा इकबाल उसके वाइस प्रेसिडेंट। हमारे उस्ताद बुजुर्ग मोहतरम डॉक्टर इरफानी ने बताया था मौलाना नफी का कलाम फारसी जुबान में अलफदीन नफीस के दीवान अलफदीन नफीस के नाम पे डॉक्टर इरफानी ने मुरतब करके शाया किया। तो दीवान मौजूद है आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। तो डॉक्टर इरफानी मरहूम ने मुझे एक नज़म दिखाई फारसी, एक खत था जो मौलाना अलफदीन को अल्लामा इकबाल ने लिखा। ये गज़ल भेजी कि मौलाना मैं आपको ताज़ा गज़ल भेज रहा हूँ, इस पर कलम चला दीजिए। तो मौलाना अलफदीन ने उसकी तस्हीह भी की और वो तस्हीह करके मुखातब ही डॉक्टर इरफानी के पास था। ऐ काश मैं या खबर मुखातनामा इरफानी से ले लेते, मैंने खुद अपने अलफदीन भी उनके उस्ताद फारसी में। मौलाना अलफदीन की वफात 1923 में हो गई और मौलाना अलफदीन जो थे वो फारसी के बहुत बड़े शायर थे और अल्लामा इकबाल के साथ उनका डायरेक्ट रब्ता। अब इसी शहर की एक शख्सियत डॉक्टर इरफानी थे जिनका निकाह अल्लामा इकबाल के बड़े भाई की निवासी से इकबाल मंजर में उनकी बारात थी। और वो मौजूद खातून मामीरिया उनको कहते थे, उनकी वफात चंद साल पहले हुई है, वो भी बताया करती थी अल्लामा इकबाल की बात। मैंने एक दिन उनसे पूछा तो कहती हैं कि जब 1935 का जल्जला आया था तो डॉक्टर इरफानी कोई नाम गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रोग्राम बाई स्कूल पास में बने थे। कहते हैं कि मेरे नाना शेख अताब अहमद लाहौर गए और कहा कि पता नहीं बच्चों का क्या बना है, अल्लामा इकबाल ने लाई भेजा कोयटा जाके पता करें अगर बच गए हैं तो ले आए। कहती मुझे फिर बाइक ले लिया है वापस और
मैं 15 दिन नामा एक बार के पास लाहौर रही जो मैं रोड पर कर अलामा इकबाल इंतहाई नेक शख्सियत थे। उनका तहज्जुद पढ़ना, उनका मस्जिद में बैठना, उनका जावेद से तिलावत कुरान पाक सुनना, उसकी तस्दीक करना, आली की मुसद्दस का सुनना, अपने अशआर सुनाना, उसका जिक्र मामी जी ने बड़े अच्छे अल्फाज में बयान किया। अलामा इकबाल के मैं ना नौजुबिल्ला में और याद काम के लिए जाता हूँ ना बनी, लेकिन था वो बनी था वो कलंदर सुबह कहा है ना कि फिर दौस में रूमी से ये कहता था सुनाई मशरक में अभी तक वही कासा है वही आश अल्लाह की, लेकिन ये रवायत है कि आगे एक मर्द कलंदर ने किया राजू की पाश तो कलंदर कलंदर जो जो अफे दायरा नहीं है क्योंकि ये शहर कानून है जुम्मत खाए एजाजी का। इकबाल एक बंदे कलंदर था, इकबाल बहुत ऊंचा था। मैंने खुद देखा मौलाना गुलाम रसूल मेर लिखते हैं क्या मामा के यहाँ जाया करते थे लाहौर उनके घर में, कहते 1937 का वक्त था। अल्लामा इकबाल को मिलने के लिए गए, कमरे के दरवाजे खुले हुए थे, खिड़कियाँ खुली हुई थी, हवा आ रही थी बाहर से, गर्मी का मौसम था, अल्लामा साहब ने तहमन बांधा हुआ था, बनियान भी थी। हमने जाकर अस्सलाम अलैकुम कहा, अल्लामा ने कहा कौन हो, कहते हमें बड़ी हैरत हुई कि हम बहुत दिनों से आने वाले हैं, कई सालों से, आज ये शायर बशर क्यों पूछ रहे हैं कि कौन हो। पता चला कि अल्लामा की आंख से भी गिनाई जाती रही। 1936 से लेकर 1938 तक अल्लामा इकबाल ने कहा गया उनको 13 और वो खतूत इस मुल्क के लिए अगर किसी ने मुताला करना है कि इस मुल्क की तारीख का असास क्या है तो वो खतूत है। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उन खतूत को छापा है 1947 में अपने दिपाजे के साथ। कायदे आजम कहते हैं कि ये उस शख्स के खत है जो एक सेज था, अल्लाह का वली था, और मैंने उससे बढ़ के कोई दानिश वाला अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और कायदे आजम ने एक तारीखी बात की, कायदे आजम ने कहा कि वो शख्स के खतूत है जिससे मेरे सियासी इख्तलाफ थे, बहुत सारी बातों में हमारा इख्तलाफ था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो ठीक थे और मुझे अपने ख्याल में तब्दीली करना है। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चाहते थे अलग-अलग, कायदे आजम उस वक्त इस बात की मजामत करते 1936-37 तक वो जिसमें मैंने इस खतूत का जिक्र क्यों किया वो इसलिए किया कि 7 खत अल्लामा इकबाल ने अपने हाथ से लिखे और 6 खतूत किसी से लिखवाए क्योंकि अल्लामा इकबाल की नज़र काम करना बंद कर। अब वो कहते हैं मौलाना गुलाम रसूल मेर जब हम बोले उन्होंने पहचान लिया आवाज से और साथ वाले मौलाना जफर अली खान थे, कहते हो तुम जफर अली खान है, कहते हाँ मैं जफर अली खान। वो जफर अली खान मेरी शिकायत आई है, सर क्या शिकायत आई है, तो सुनिया तुम मारा है टकरा मारना है, दो सजदों के दरमियान वक्फा नहीं रखता और रुकू करता है जल्दी खड़ा हो जाता है, और उसको बाकायदा झाड़ा उन्होंने अल्लामा इकबाल ने कि रुकू और सजदे के अरकान जो है उनका ख्याल कैसे रखा। मैं खुद नहीं कह रहा, जो तो बात मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मौलाना गुलाम रसूल मेर के हवाले से। वो एक मर्द कलंदर था, एक इंसान। जनाब सदर जो बात यहाँ आने के बाद हो रही थी वो ये थी, इस कौम ने इकबाल के पैगाम को पसे पुश क्यों डाला। मैं जवाब ये दे रहा था कि जब डॉक्टर इरफानी की मरहूम की वफात हुई
तो लाहौर में आबादी हो गई है। खाना फरंगी ईरान ने उनकी याद में एक रेफरेंस का एहतमाम, मैं उसमें फौज में मेजर था और मुझे भी बुलाया गया खाना फरंगी ईरान की तरफ से, मैंने भी इजाजत मांगी और वो जमाना बड़ा अच्छा था। हमारे जो चीफ थे आर्मी के जनरल यहाँ के बाद जो हमारे चीफ थे मिर्जा आसम बेग, इल्मी अदबी शख्सियत थे बिहार के, उस वक्त वो हमें इजाजत दे दिया करते थे अच्छी तरह की जाने की, मुझे भी जाने का इजाजतनामा मिल गया जिसमें लिखा था कि क्योंकि तुम जा रहे हो एक गैर मुल्की मिशन यहाँ बोलने, अगर कोई बात ऐसी हो तो खुद उठ के आ जाना, ना कोई बात हो तो कर। उस तकरीब के सदर सदारत को की थी जस्ट जावेद इकबाल ने, ईरान के वजीर इत्तलात उससे आए और ईरान के अम्बेसडर भी थे। मुझे इसी तरह याद है कि स्टेज पे जो खतबा रखा गया जो खामनाई का कौन था कि ईरान का इस्लामी इंकलाब अल्लामा इकबाल के अफकार के भरोसे पर था। तो वजीर इत्तलात ने कहा ईरान के कि मैं सुबह आया हूँ, मैं अल्लामा के मजार पे गया, मैंने हाथ दी, आज मुझे बड़ा रूहानी सुकून नसीब हुआ है। तो जस्ट जावेद इकबाल को कहा कि आप इकबाल के फरजंद हैं, हमने इकबाल की अखबार तसव्वुरात और फलसफे पे अमल करते हुए इंकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन आप लोगों को क्या हो गया, आपके क्यों तब्दीली नहीं आ रही, इकबाल को आप क्या आता हो। जस्ट जावेद इकबाल ने कहा कि हजरत हमारी नियत खराब है, साहब कहा कि मस्जिद को बना दी शाम पर मां की हराम था मन अपना बुरा रहता बच्चों से कमाली बच्चों में दवाली बंद हो गई, तो हम पापी हैं, हम इकबाल को भूल चुके हैं। इकबाल को कौन ले गया, ताजिकिस्तान वाले ले गए जिन्होंने इकबाल के अशआर को अपना कौमी तराना बना दिया, ईरान वाले ले गए सादक हदायत ले गया, वो कहता है आखिरी बार कल के पाकिस्तान के बाद इकबाल चश्मा यह देशा जो दौलत में पूछता यह अंदाज कि आफरीन हो पाकिस्तान में जो इकबाल के हमरा उसके पास ऐसा रूहानी सा चश्मा है जो हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। तो सादक हदायत कहता है कुशाद खाक पंजाब उठता है लाहौर के जादो परवर दिन शायर दस्ता किसान अल्लाह के लाखों रहम नहीं हो लाहौर पर पंजाब, ऐसे अजीम शायर को जन्म दिया और पाला और उसका मरकुशवारा बहार ने कहा असले हाजुर खासा एक बाल गश वाह लिखा सद हजारत बाल गश, ये एक बाल का दौर है वो एक इंसान जो लाखों से आगे बढ़ गए। दो मिनट है मैं ये बताता हूँ, आज मुझे कुछ मेरा दिल गर्म हो रहा है कि मेरे पास हमारे अपने फौज के साथी की मौजूद है का तो हजरत ये हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वार में तहरान पे अंग्रेजों ने और रूसियों ने कब्जा कर दिया राइफल, याद है उन्नीस सौ इकतालीस में, क्योंकि शहनशाह ईरान जो था आखिरी बादशाह का भाव वो जर्मनी के साथ मुआहदा कर रहा था, इन लोगों ने अचानक उस पर कब्जा कर दिया और उसको जलावतन करके उसके बेटे मोहम्मद रज़ा शाह ने उनको बादशाह बना। अब जब ये फौजी पहुंचे तो उसमें हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले काफी फौजी, उन फौजियों में कहना दुखा दी थे, अब याद है इससे बस आपको सैयद हुसैन मोहम्मद हुसैन बुखारी उनकी बेटी थी हमारे साथ सबीना बुखारी, कहना बुखारी भी थे बड़े बहुत फारसी किस्का और भी लोग, वो एक और भी बुजुर्ग थे जो उनका नाम भूल रहा है मैं उनको भिड़ा हुआ हूँ, खाजा साहब थे वो सी एम ए जेल में सी ओ भी रहे हैं, उन्होंने इस पर ये यजीदी जो ग्रुप है हिंदुस्तान का उस पर लिखा हुआ है
और ये जो देहाती कॉलेज लाइब्रेरी है उसको हेड थे, जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते उससे जाया करते खाजा मसूद थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने एक अंजमन बनाई तेहरान में जिसका नाम था अंजमन दोस्ती ईरान हिंद, और अंग्रेज़ों ने कहा कि फौजियों जिनको फारसी शेर आते हैं इकट्ठे हो जाओ और एक तकरीब बर्पा करो ताकि आप ईरानियों को करीब ला सकें। तो मैं बुखारी मौलवी ने मुझे बताया कि उन्होंने मलकुल शोरा बहार को बुलाया उस तकरीब को। बहार जैसा इंसान जो एक इलाके की खिताबाद बनाई कम्युनिस्ट पार्टी का भी एडमिट, फिर वो कम्युनिस्ट नहीं था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो बहार ने किताब भी हिंद अंदर उसने कहा गया कि यार हिंद बाजी अधीन मुश्तखा को मन में शहर रहीन है, हिंदुस्तान की सरजमीन तो बहुत अजीब है, मैं एक मट्टी की खाक हूँ जो रह के शहर में मुकीम हूँ। उसने सारे शोरा का जिक्र किया, ताल ताल की अलबत्ता में घाज दे दीजिए, अलबत्ता में ताल की अलबत्ता में घाज भी वेदन वाली अलबत्ता में तकीम पैदा हो गया, अलबत्ता में तकीम चला गया तो भाग पैदा हो गया, घाज की अलबत्ता में शिवली अलग चला गया तो शिवली आ गया है। कहा असल हाजिर खासा है इकबाल गश, ये दौर इकबाल का दौर है वाहिदी का सब हजार इकबाल गश, वो अकेला था जो लाखों से आगे बढ़ गया और कहा कि हुई मत अंत दरबार हिंदुस्तान, मैं तुम्हें वो पैगाम दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा मुस्तकबिल छुपा हुआ है, मैं खुद नहीं कुछ कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो तुम्हारे इकबाल ने कहा है। तुम मुझे कहा इतनी इतार बात आखिर आदम नहीं चाहिए यार बात ऐसो ही हुकूमत बेदार हो जा और दूसरों के हुकूमत से आजाद हो जा, दूसरों के गुलामी से आजाद कर जिसका अंदर जहान है दी ग्राम बंदा ये आजाद रहा है ग्राम, दूसरों के जहान में रहना, दूसरों का मगरूब हो गए, दूसरों के कदमों में बढ़ना बंदा ये आजाद के लिए बहुत कुछ है। ये बहार ने इकबाल का पैगाम दिए और ये मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, बहुत लंबी बातें हैं कि बहार के उस कलाम से इकबाल का पैगाम ईरानियों की नज़र में आया। तो फिर डॉक्टर इरफानी ने क्या किया, वो मेरे दो अशार हैं फारसी के, तो मैंने कहा कि मैंने तो ईरान नज़र दी गाने अल्लामा इकबाल से ईरानी कौम को थी मुझे खबर थी, कसम शेर ही कस कलाम की शुरू उनके कलाम का कोई शेर उन तक नहीं पहुँचा था, तारा रफ्ती फानी शीरी सुखन ब्यारा अस्तस चला के संक्रमण, जब तक एक शीरी सुखन इरफानी नहीं मान गया जिसने इकबाल की शमा से वहाँ के महफिल को रोशन कर दिया। वो नया सुंदर नवाए सुनना सुन उस वक्त तक आराम उसने नहीं किया ताशब तारीख ताबा महसूस जब तक वहाँ की अंधेरी रात में उजाले ना हो गए। इरफानी के शागिर्द की हैसियत से मैं आर्मी के यूनिफॉर्म में एज मेजर 1990 में जून में जलजले के बाद वहाँ मौजूद था। मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी तरह जनाब शमशाद अहमद खान के हमारे एम्बेसडर थे और बाद में वो हमारे सेक्रेटरी खारजा भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि बार और ईरान और पाकिस्तान के तालुकात के अंदर में आज आपने खुतबा देना है। एक हाल में एहतमाम किया एम्बेसी ने, 9 बजे मैंने खुतबा शुरू किया पाकिस्तान में और 12 बजे तक बैठे थे। अल्लामा खमीनी की बेटी भी थी, बड़े वे माहिरीन थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि 12 बजे भी जब खुतबा खत्म करता था तो मुझे खत्म नहीं करते। आज वो लोग इकबाल को ले गए, आज हमने इकबाल को भूल गए, जी जाता था मैं घंटों तक बोलता चला जाता, अभी मैंने इकबाल के कलाम को नहीं छेड़ा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसके बाद भी कुछ बात अगर हुए तो मैं इकबाल के कलाम और उनके फलसफे पर बात करूँ। लेकिन इकबाल ने ये कहा है कि रखते खीश बर बस्तम ले आलम, जब इस दुनिया से मैं अपना रखते सफर बांध के चला गया हमें मुस्तंद बाबा शिनार सब ने कहा कि वो हमारा साथी था, हमारी बात कर रहा था, भले कसम दानिश की मुसाफिर, ये
किसी को नहीं पता चला कि ये मुसाफिर थे, उसको बाकी उसको अस्पताल हो कौन था, किससे बात कर गया, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। आज अगर इकबाल ना होता, पाकिस्तान ना होता, इकबाल ना होता, दो कौमी नजरिया ना होता, 1930 में मैं इसी वक्त पर मुझे मौका मिला मैं खुतबे के बारे में भी लेक्चर दूंगा, जब वो खुतबा उन्होंने दिया 3 घंटे 2-2.5 घंटे तो लोग रो के एक दूसरे से गले लग रहे थे, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि मुसलमानों को किसी शख्स ने रास्ता दिखाया है और मंजिल दिखा दी है और उस मंजिल से हमें आगे बढ़ने का मौका रास्ता मिले। लेकिन हम वही खड़े हैं जहाँ पहले थे, वही इकबाल मुझे कहता था कभी यह नौजवान मुस्लिम का तदब्बुर किया क्या गर्दन था तू जिसका है क्या हुआ था, एंड में कहा है मैंने तुझे तुझे कितना तमाशा था, पूरे दीदार शिमला को चश्म बना खा रहा क्या कहा, बड़ा खूबसूरत कहा कि हुकूमत का तो क्या रोल है कि वो एक आर्थिक शहर थी नहीं दुनिया के आइंदे मुसलम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की वजह की उनको यूरोप में दिल होता है थी पारा घनी इल्म से सियाह है पीले पीना अनुरा तमाशा को कि नूर दीदार पीना को न चश्मे बनाहारा मुला घनी कश्मीरी का शेर बात में ध्यान दिया कि घनी उस बदहाल के नाम के बूढ़े याकूब का हाल देख जिसकी आंखों का नूर छेदकर जुनैखा के घर की रोशनी बन आज हमारा जुम्मन छिंदी यूरोप की रोशनी बन। देखें हम वहाँ के वहाँ खड़े हैं जहाँ हम पहले खड़े थे, आज मैं सियालकोट को खुला जैसे पेश करने के लिए आया हूँ कि ये अजीम शहर जिसके वतन से बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है, ये वो शहर है जो शायद मशरक का शहर है और आज अगर हम शायद मशरक के पैगाम को न मिले तो शायद मंजिल हमारे करीब तक वबा में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही गैर रवायती अंदाज से आज जो गुफ्तगू सुनी है ऐसे लग रहे थे कि वैसे अनपढ़ बैठे हैं हम लोग, बिल्कुल ही अनपढ़ बैठे हैं, पर ये माजी का जो आईना डॉक्टर बेहबूजमान साहब ने दिखाया हमें ये निशान मंजिल भी है और निशान राह की निशानदही भी है। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हर दोस्त अपनी जगह पे अपने अंदर की रोशनी को बाहर लाए, अगर हम सब अपनी भी जगह पे रोल अदा करेंगे तो यकीनी तौर पे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह जैसी शख्सियात जो गैर मामूली शख्सियात हैं और उससे पहले भी जो बड़ा कमाल की बात डॉक्टर साहब ने की है अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह की और दूसरे लोग, ये यकीनी तौर पे ये खालिक़े कायनात की मशीयत का कोई हिस्सा है, बिला वजह इंतहाब नहीं होता। कोई फल आज कोयटा में अगर होता है तो वो सियालकोट में लगाना चाहता तो नहीं लगता, कोई ज़मीन का एक फ़ज़ाओं का फ़र्क होता है। ख्वाजा इरफ़ानी ने अगर रोल ब्रिज का इस्तेमाल अदा किया तो यकीनी तौर पर मेरी आँख हमारी आँख इस काबिल नहीं है शायद उस डेप्थ को जान सकें, लेकिन यकीनी तौर पर खालिक़े कायनात को इससे कुछ मकसूद है। अल्लाह करे कि हम लोग अपने अपने जहनों के ऊपर तह जमीन को जोड़ें और अपने अंदर के इंसान को जिंदा इंसान को बदलें। बड़ा सौलोजान जो दोस्त करना चाहें वो अपने लिख सकते हैं, बाकी मैं दरख्वास्त करूँगा मुख्तर मियाँ याद साहब से कि वो आज सदर मजलिस हैं वो इजहार याद करेंगे गुफ्तगू के हवाले से। मुख्तर मियाँ याद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पास नाम से आए मेहमान ठीक है। आज जितना मज़ा माशाल्लाह डॉक्टर साहब की इस तकरीर ने इस अवेयरनेस को हमें दी है
मेरे काम में मेरे जैसा बंदा जो रामा को पढ़ते ही नहीं है, शायद अमल जरूर करता हो थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ वो बता गए हैं मैं क्या आपको बताऊँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज सियालकोट वाले खुशकिस्मत हैं, रामा इकबाल और सियालकोट का मौजू है, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इस सियालकोट की जहेज मिट्टी में अलामा इकबाल जैसे बंदे पैदा किए जाते हैं, उनसे काम लिया और एक ऐसा पैगाम अलामा ने छोड़ा जिसको अगर हम दिल से पढ़ें, शौक से पढ़ें, तो हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। क्योंकि किस जिंदगी के हिस्से को अलामा ने नहीं छोड़ा, हर जगह बेदारी का पैगाम दिया है, हर जगह काफर है तो उसके सामने डट जाने का पैगाम दिया है, इलम है तो उसको हासिल करने के लिए पैगाम दिया है, मेहनत है तो उसके लिए अलहदा पैगाम दिया है, हर जिंदगी के हर छोटे अलामा इकबाल ने छेड़ा है। ऐसा बंदा, ऐसी शख्सियत पैदा ही नहीं होती, दूसरे ले जाते हैं, ईरान ले जाता है, दूसरे मुल्क ले जाते हैं, हमारी हालत वही है, हमारे मुल्क की अपनी हालत यही है, इकबाल के पैगाम को देखकर आगे नहीं चलते। मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह का बंदा जिस पर अल्लाह की रहमत थी, वो बंदा जिसको हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत थी कि मुसलमानों को इतना खूबसूरत पैगाम दिया, लेकिन उस पैगाम को उसे पुष्ट डालकर हम इतने पछता रहे हैं, बल्कि इतना महसूस कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान की इस कौम को अलामा के पैगाम को लेकर आगे चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 4 साल का बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए जाता है, कोई कहता है कि इसको क्या पढ़ाओगे, कोई कहता है कि नहीं पढ़ाना है, इसने किसी ने ख्वाब देखा, उसके बाप ने हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और वाकई ही जो ख्वाब देखा वो दुनिया में पूरा करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि ज़रा पीछे चले, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि अनुवाद का पहले, ज़रा पीछे चल के देखें कि ये नूर कहाँ से आया। ये समरेवाल की एक ऐसी ममता के नूर है जो हाफजा थी, हाफजे कुरान थी, आज वो समरेवाल जिसने उस ऊंट को जन्म दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी माशाल्लाह रहमत वाली माँ थी कि आज उस माँ के सदके अगर समरेवाल को वो पोजीशन मिली है अलामा इकबाल की माँ की वजह से, तो आज अनप्रेसिडेंटेड जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है दुनिया में, आज वहाँ एयरपोर्ट भी समरेवाल है। ये ऐसी माए, ऐसे शख्स जो किसी जमीन में पैदा होते हैं, किसी मुल्क में पैदा होते हैं, ये किसी, मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मत के घर में आते हैं, खुशकिस्मत मुल्क में आते हैं। हमें अलामा इकबाल को पढ़ना चाहिए, हमें उनके जो भी खुतबात हैं उनसे सबक सीखना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मजहब के लिए, अपनी रूहानी शख्सियत को ठीक करने के लिए हम एक कदम आगे जाएँ, ताकि अल्लाह हम रहमत करम करें। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। वैसे तो डॉक्टर साहब ने आज इतना कुछ हमें बता दिया कि हमें तो दूर दूर तक इसकी खबर नहीं थी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह ऐसे बात होते रहे, अवेयरनेस आती रही, तो हम जैसे लोग भी इंशाल्लाह ताला ये जिंदा रास्ता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दोस्त अगर सवाल पूछना चाहे तो बात किसके वाले से, अलामा इकबाल के वाले से। कसम माइक भी रखते हैं आपके पास में। अच्छा, ये दो सवाल है मेरे पास। पहले सवाल का जवाब तो मैं किसी हद तक दे चुका हूँ,
कि फिक्र इकबाल ने ईरान में जो इनकलाब वफा किया कि पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं पैदा कर पा। जवाब मैंने दे दिया था, ये हमारी बात नहीं थी जो है वो आड़े आ रही है बतौर फरदंद इकबाल के। लेकिन एक चीज़ में मैं जरूर अर्ज करूँगा कि हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान का क्याम इकबाल के तसव्वुरात का आईना रहा। 1940 में 23 मार्च को मंटो पार्क में जब कायदे आज़म रहमत उल्लाह अलैह करारदादे पाकिस्तान से पेश करने के बाद अपना इस्तीफा दे रहे, कायदे आज़म रहमत उल्लाह अलैह ने अल्लामा इकबाल की कब्र की तरफ देखा, फरमाया कि इकबाल आज तुम हम में मौजूद नहीं है लेकिन जिस मंजिल का तयन तुमने हमारे लिए किया था हम उसकी तरफ रवान रवान हैं। वादा हमने तुमसे किया था मैं काश तुम ये देख सकते। 1938 के बाद 1940 में करारदादे पाकिस्तान का बात हुआ और फिर क्या होगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इकबाल ना हो, अगर आप उसको तो पढ़ लें इंटरनेट पे मौजूद है, तो कायदे आज़म को भी वो दिखा रहे हैं रास्ता कि पाकिस्तान किस लिए मुसलमान हिंद के लिए जरूरी है। तो पाकिस्तान का क़याम तो उनके अफकार की मौजूद हिंदत है लेकिन इनकलाब दो तरह का, एक तो ये है कि डंडा लेके इनकलाब आ जाए, दूसरा इंकलाब है जो एवोल्यूशन के साथ आता है बदतदरीज। मेरे ख्याल में बदतदरीज जो है हर लहजा है मोमिन की नई शान मेरी आन, हर लहजा है किरदार में उस्ताद में अल्लाह है। जब आप बात करें अल्लाह की बुरहान बात है आपका तो किरदार जो है वो अल्लाह का है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली कौम को इसके लिए कौम की तामीर जो है वो जरूरी है। और दूसरा सवाल मुझे पूछा गया है कि इकबाल के फलसफा बुद्धि के बारे में बताओ, इस पे कई लेक्चर दिए जा सकते और तुदी मौजूद है, तुदी क्या है, तुदी का तस्वर सबसे पहले जो फारसी शायरी में मुझे मिलता है वो हुआ नहीं कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में हजरत फरमाते हैं खुद शनासी दर जहाँ के इरफान को बाद अपने आप को पहचानने से इंसान इरफान की मंजिल में पहुंच जाता है। इरफान क्या मतलब पहचान है, आरफ खुद आरफ सुभान को बाद जिसने अपने आप को पहचान लिया वो खुदा को पहचान लिया। फरमाते हैं कि सूफियान जो आरफ की शाम दान सूफी चूंकि अपने आप को पहचान रहे हैं अपने आरफ हैं दर खुद ही खींचतन पीछान दर इसलिए वो अपनी खुद ही बेबाजी रहे हैं। खुद ही का लफ्ज भूअली कलंदर मस्तनी में है, भूअली कलंदर का जिक्र बाद में लिख दिया है असरारे खुद ही बेबाद उन्हीं को ये मालिक से भू अली दर सवाल हिंद नामे में जली कर भूअली की बात करता हूँ जिसका नाम हिंदुस्तान की तारीख में जली है। इकबाल ने ये देखा कि ये कौम जो थी मुसलमान वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबतला थी जिसको मैं इंग्लिश का लफ्ज है बोल रहा हूँ एहसास कमतरी में अंग्रेज की गुलामी में कनाट की और अपने आप को और जलील और रुसवा कर आप देखिए ना अंग्रेजी जबान को इंग्लैंड में कभी कहते हैं आई बैक टू स्टेट, उन्होंने हमें अंग्रेजी दिखाई थी आई बैक टू स्टेट हाई लॉर्ड अदालत के आप बोलते थे योर एक्सीलेंस योर मजेस्टी। तो ये वो चीजें थी जो खुदी पे जद थी ठीक। और इकबाल ने साकी नामा उनका देखिए इकबाल जो दीन है तो क्या है ये मौज नफस क्या है तलवार है खुदी क्या है तलवार की धार है मौज नफस क्या है तलवार है खुदी क्या है तलवार की धार है खुदी शेर मौला जहाँ उसका शहर
तहत आप वहाँ उसके तहत बड़े जाए पूरे ग्राम तोड़कर उसमें जबान मकान तोड़े, तो खुद ही जो है वो अपने आप को पहचानना और अपने तमाम पोटेंशियल खाबीता पाक से सोई हुई जो कुतें हैं पोटेंशियल उनको गुरुकार लाने का नाम बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको कह रहा हूँ। और पूरी उनकी किताब असकार थी थी इसी फलसफे की किताब है। और उसके बारे में एक और मुझे आपने पूछा है कि अल्लामा के कलाम में फलसफा तारीख और इमरान कानून के अशारात और रेफरेंसेस मौजूद है, अल्लामा के कलाम को पूरी तरह समझने के लिए कहाँ से शुरू किया जाए और क्या किताब। मैं यही कहूँगा कि उसको उसी तरह शुरू किया जाए जैसे उन्होंने लिखा है, पहले उन्होंने मानव दला की तरफ लिखी है वो पढ़ लो, फिर बारे से भी पढ़ लो। और सबसे मुश्किल इस कौम के लिए उस वक्त है जब मैं कहूँ फारसी पढ़ मैं एक बुजुर्ग को मिला था जिसका नाम यूसुफ सलीम चिश्ती था, 85 साल की उम्र थी उस वक्त, तो यूसुफ सलीम चिश्ती इकबाल के बहुत करीब थे। एक दिन अलामा इकबाल को कहते हैं अलामा जाए मुझे बड़ी परेशानी हुई है, कहते क्या मैं क्या मैं इसको बोलता हूँ कोई समय नहीं लगा, मैं गाली पढ़ता हूँ तो आगे पता नहीं चलता, बातें आप फ्रंट खोलता हूँ तो कोई समझ नहीं है, फिर उसके बाद आपका जो है नाना है उस पर आता हूँ फिर भी समझ नहीं लगता मैं कैसे कहाँ से शुरू करूँ। बाद में कहा यूसुफ क्या ये मौसीकी का इलम एक दिन में आ जाता, एक बड़ा ही जो है ना कारपेंटर को भी लकड़ी को काट के साल बाद मुझे पढ़ना है तो अच्छी तरह समझ फारसी को पढ़ो और फारसी अभी को पढ़ो, और जिसको फारसी नहीं आती तो फिर यूसुफ सलीम चिश्ती ने बता दी है प्यार में शुरू को पढ़ निकलसन का तर्जुमा पढ़ ले जो इंग्लिश में किसी ने पढ़ने उसका इकबाल के तमाम फारसी जो नजमे हैं किताबें उनका तर्जुमा हो चुका है। फिर इकबाल की टर्मिनोलॉजी को सुनो, पिछले एक दो महीने पहले मेरे 26 मई की बात है मैंने गुलिस्तानी इकबाल पर खुतबा दिया, 2 घंटे का खुतबा था, 1 घंटे का सवाल जवाब थे जस्ट जावेद इकबाल थे, तो मैंने कहा था इकबाल और ज़रदुश्ती गवाया इकबाल एंड यूनिवर्सिटी लगेज, मैंने ये साबित कर दिया कि इकबाल के तमाम फारसी जो इस्तलाहात हैं वो ज़रदुश्ती मजहब की करते हैं। जस्ट जावेद इकबाल ने जब कुछ मैंने वजाहत की तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो आपको किताब लिखना पड़ेगी हम छापेंगे, क्योंकि इकबाल की आपने नई जेहत उतार पता चला इकबाल को तो बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बात यह है कि आप उन किताबों को भी पढ़े जिनको इकबाल ने पढ़ा, इकबाल ने हमी को पढ़ा, इकबाल ने हाफिज़ को पढ़ा। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि इसी शहर में 19वीं सदी का फारसी राइज थी, लोग फारसी को समझते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं मिली, फिर भी कोशिश करें उसको समझ लें। उसके बाद मुझे सवाल है कि फिक्र इकबाल के आयात के लिए थिंकर फोरम और सीनियर स्टडी सेंटर के अहबाब ने एक कागज का आगाज़ किया है, मेरी आपसे इस्तदा है कि इस कानून की अंजाम नहीं और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने में रहनमाई फरमाएँ, आपकी तवज्जो को दोनों हमारे लिए बेहद हूँ। मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह इतना मैं कर सकता हूँ, अगर से इस मेरे विजट में भी मुझे दिस्तानी इकबाल से अभी 2 अगस्त को आएंगे नहीं आया इकबाल साहब उनसे पूछ लेना, मुझ पर ये प्रेशर था कि मैं खुतबा उधर भी दूर लाहौर में, बड़ी मोहब्बत है जावेद इकबाल साहब की तो हमेशा मेरे खुद पर आते हैं 3 घंटे बैठे रहते हैं, उन्होंने कहा कि एक लाहौर में भी आए, तो मैंने बात की मैंने कहा कि मैं सियालकोट में खुतबा इंशाअल्लाह ये आप भी मुनहसर हैं आप इतमाम करते रहें, मैं एक एक फलसफा गांधी का इतफा बयान करूँगा, मर्द मोहन का इतफा बयान करूँगा, इकबाल का रुतबा 1930 का इतफा बयान करूँगा, इकबाल के कलाम के बाकी हिस्से। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता बयान किया जाए इकबाल के बहुत सारे कलाम को आपको समझ आए, तो जो मेरे से बस में है मैं इंशाअल्लाह सिर्फ इनको मेरे दोस्त खावर हैं इनको आप पकड़ और ये मुझे हुक्म देंगे तो मैं आऊँ। मैं आज आपको तस्वीर दिखाता हूँ 1976 की, मैं और काबर उसमें खड़े हैं और मैं इनके खानदान का दावा हूँ, इनकी छुट्टी की
बेटी है, मेरी अहलिया है, बड़ा फख्र होता है। तो अल्लाह ताला मेरी करामत करे बाबू अनवर को, डॉक्टर फारूक को, उन लोगों का मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। मैं वो तस्वीर दिखाता है जिसमें भाई ताहिर है, डॉक्टर फारूक और बाबू अनवर खड़े हैं, 1980 की तस्वीर है शायद। तो मैं इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। आपन भाई तो वैसे ही धड़के हैं जिसे आप क्यों परवेज भाई साहब जी को भी अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी कि इस मुबारक मरकज में मुबारक लोगों का जिक्र पूरी तरह जारी और सारी हो चुका है। जहाँ तक शुक्रिया का तल्लुक है, सबसे पहले तो मैं वहीदुज़्ज़मान साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड, ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड तो इनका एक रुतबा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक अलामा इकबाल के मुतल्लिक ऐसा ताल्लुक नहीं सुना जो आपने आज हमें शनासाई दी है। हल्फन और कसमन कहता हूँ कि चूँकि हमारा तल्लुक सीरत सेंटर से है, सीरत नबी से है, और सीरत नबी के जो बड़े तर्जमान हैं उन्हीं में अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ ऐवाने रसूल में जो पूरी तनदही और मेहनत के साथ ये जो काम शुरू हो रहा है, ये उसी का एक पेशखाना है। खाबर भाई और इनके वालद साहब इस सेंटर के बनाने वालों में, और यकीन माने कि इन्होंने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया दोनों भाइयों ने कि इनके वालद यहाँ से चले गए। इन्होंने जब जब मौका मिला अलामा इकबाल के मुतल्लिक इन्होंने भरपूर कोशिश की कि उनके पैगाम को उठाया जाए। मैं शायद ना कहता लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र कर दिया है, हमने वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इन्हीं की मेहनत के साथ वहाँ हमने फरोग अखबारिया की एक वहाँ कमेटी बनाई हुई है जो पिछले 5-6-7 साल से काम कर रही है। उसके प्रेसिडेंट भी यहाँ बैठे हैं इकबाल सरदार साहब, बड़े यंग हमारे भाई हैं, दिन रात कभी कभी काम करते हैं, और सदर भी बैठे हैं असाद भट्ट साहब, इनके दौर में उसने काफ़ी अरूज लिया। फिर हमारे वो जो आई जी थे ये मोटरवे, उन्होंने वीक मनाया। फिर अभी रिसेंटली ये नदीम सफर साहब आए हुए थे DCO साहब, उन्होंने पूरा वीक मनाया। इसमें फिकर फोरम कि मैं बहुत मशहूर हूँ वो हमारे साथी हैं हमेशा, सीरत नबी और इकबाल के वो हमारे बिल्कुल आगे पीछे हर तरफ से मददगार हैं। और मैं अपने भाई मियाँ रियाज को भी आज कुछ आमदेद कहता हूँ। देख रहे ये अलामा इकबाल का शहर है। ब्रिगेडियर साहब आप देखिए कि पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं कि किसी बिजनेस कम्युनिटी वालों ने अपना एयरपोर्ट बनाया। अब ये साहब आपके पास बैठे हैं, खावर भाई बैठे हैं, इट इज ए प्रेसिडेंट इन द होल वर्ल्ड। जैसे अलामा इकबाल एक थे, मैं समझता हूँ कि अब सियालकोट में वो चीज उठ रही है। यहाँ अपनी मदद आपके तहत कॉलेजेस बन रहे हैं, वेलफेयर का काम हो रहा है, और सबसे बढ़कर आपको खुशी ये होगी कि आज तो आपको सुन के दिल करता है आपको जाने ही लगे। आपको अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का यहाँ वाइस चांसलर अल्लाह पाक बना दे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये सीरत सेंटर जो है इमाम रसूल, दैट इज द ओनली रेमेडी इन द होल वर्ल्ड इज टू फॉलो द सीरत ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मानेंगे कि ये सेंटर भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्तों ने मिल के प्रोफेसर जमाल साहब के साथ बनाया। अल्लाह उनको उनके रहमत करे, उनके दर्जे बुलंद करे। ये आजकल भी ये 99% चैम्बर के अरकान हैं जो इसको वॉलेंटरली ऑनर्ड चला रहे हैं। जब जब भी आप आए, आपसे रिक्वेस्ट है
कि यहाँ जरूर तशरीफ लाए, क्योंकि हम अपना कर्ज और फर्ज समझते हुए इस सेंटर को इकबाल का एक बहुत बड़ा जखीरा या मास्टर बनाना चाहते हैं। आखिर में मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना वक्त निकाला, और साथ ही साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो वो इनाम की तरफ आप आ जाए, क्योंकि अल्लामा इकबाल का मरकज होता है जी शाहीन, उस पर नाम लिखा हुआ है। ये आप मियां रियाज साहब को कहें, मियां रियाज साहब को कहें कि वो ब्रिगेडियर साहब को दें, क्योंकि ये शाहीन जो है ये मोमन की निशान है उसके फलसफे में, और सियालकोट का निशान भी है। बहुत शुक्रिया। और एक किताबों का सेट, ये सीरत सेंटर की किताबें हैं जी, जो आपको इस मरकज की मुतालाती जो है सिलसिला वो बताएंगे। आप लगे हाथ प्रोफेसर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मियां रियाज साहब को ये आज ये ऑनर दें कि ये भी शाहीन है शहर के, इनको इस शाहीन को आके दे दें। ये भी क्या आप याद करेंगे कि हम आज आए हैं और शाहीन अल्लामा इकबाल का शाहीन ये बुनियादी तौर पर तस्वीर तक भी है, बहुत से शाहीन है अल्लाह ताला इनको। ये बुक भी दे रहे थे एक्सेप्ट, ये सब ये किताब भी है। ये इस किताब में भी एक रिसर्च पेपर भी है जो बोला हकीम साहब की जो है पी एच डी उसके मुतालिक है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये किताब है भाई साहब लाए हुए रिसर्च की, आगे देने का आगे जाइए दे दें। अल्लामा इकबाल के मुतालिक इन्होंने किताब लिखी है। और लोग भी बहुत आए हुए हैं, लियाकत साहब पुराने हैं, और इधर से ब्रिगेडियर साहब पीछे छुप के बैठे हुए डॉक्टर साहब, और आजकल जो यूनिफॉर्म में ब्रिगेडियर आपके पास बैठे हुए ब्रिगेडियर लिबास, और इनका तो आज मैं थोड़ा सा राज फाज कर दूँ। इस दफा रमजान में तरावियां इन्होंने खुद पढ़ाई हैं, आप अंदाजा करें। तो आपके लिए इस मरकज को जो तेरे महबूब के नाम पे है या अल्लाह इससे सही रोशनी का सफर जारी और सारी फरमा दे। या अल्लाह इस शहर में शहर इकबाल से जो उनकी फिलोसफी थी या अल्लाह उनकी जो हदायत थी, कायद अजम ने भी कहा ही वॉज नॉट ए फ्रेंड टू मी बट ही वॉज गाइड टू मी। या अल्लाह इस हदायत को जो उन्होंने अपने शायरी में पिनहा किया हुआ है, या अल्लाह हमें वो बख्श दे ताकि हम इस गिरे पड़े एक जो गया गुजरा दौर जा रहा है इसमें ये रोशनी का मीनार है। इंशाल्लाह जैसे हमारे लोग हैं इनमें बहुत पोटेंशियल और बहुत जान है, या अल्लाह को इकबाल और कायदे आजम जैसा रहबर अता फरमा। इंशाल्लाह जल्दी ही हम पाकिस्तान को इस्लामी मुमलकत में तब्दील कर देंगे और इसको सही मायनों में मदीना सानिया बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िहि मुहम्मदिन आलिहि। नीचे नमाज भी होगी मगरिब। Thank you.